नमस्कार सिटी न्यूज़ 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं रोन रियाना। फिलहाल एक मामला सामने आता है जिसमें दुकानदार अपने खाने पीने के वो दुकान के पैसे मांग रहा था सामान के, और जिस पे हमला कर दिया जाता है। कौन थे वो लोग और किन ने आप पे हमला करा था? कल्याण दूरी के तीन बंदे लगड़ा गया, बाकी तो 20-25 थे। अच्छा, वो साथ में थे उनके? राजू बकला, उसके दो साले। अच्छा हाँ, उनको मेरे दुकान में जो भी ग्राहक आ रहा था उसे मार के भगा रहे थे, मार रहे थे। तो ये क्यों मारपीट कर रहे थे वो, और आपकी दुकान से मतलब क्या सामान वामान लिया था? क्या सामान लिया था जो बता रहे हैं? आज मैंने मारा के नहीं दूंगा, नशे में वो चूर थे। तो क्या वो ये बिना पैसों के लेके जा रहे थे? हाँ। अच्छा, बिना पैसों के ले रहे थे। उसका जो ग्राहक आता था उसको धक्का मार रहे, गाली दे रहे हैं। मैंने बोला भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, मेरे दुकान मेरे जो ग्राहक है उनको क्यों तंग कर रहे हो? उसके बाद मेरे ऊपर हाथ जोड़ दिया। अच्छा, कि आप देखिएगा जो भी है। और उसके बाद उन्होंने और मेरे साथ जो खड़ा था बंदा, जिसको क्या मतलब क्या हुआ है आपके, मतलब कहाँ लगे हटाई है वैसे बता दीजिए। मेरे को इन्होंने पत्थर मारा, मुँह पे दो दांत टूटे हैं। दो दांत टूटे हैं हाँ, और ये खून में खून हुआ पड़ा, ये गमछा है मेरा। नहीं नहीं, वो तो अच्छा। तो ये इससे पहले भी कोई ऐसी वारदात हुई है आपके साथ? पहले मेरे साथ नहीं हुई है, लेकिन एक साल पहले हाँ जी बताइए, एक साल पहले ठेके पे मार खाया था वहाँ भी। उस टाइम ठेके वालों ने गाड़ी रोक दिया था, ज्यादा ये दिखाया था पैसे के चक्कर में, तो वहाँ भी मार खाया था। अच्छा अच्छा, मतलब ये इनका ये पहले से ही हरकतें करते आते हैं? पहले से। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कल्याणपुरी के हैं। अच्छा अच्छा, कल्याणपुरी में ही रहते हैं। ये आपकी शॉप कहाँ पे और किस चीज की शॉप? ठेके के साथ ही शॉप है। मैं नमकीन गिलास पानी और बेचता हूँ, और आप राजा चौक में घीसे पता कर ले, राजा चौक पे। हाँ, मेरी वैल्यू क्या है, सब लोग इज्जत करते हैं और सबकी इज्जत नहीं करता हूँ। फिलहाल देख सकते हैं तमाम लोग परिवार जन यहाँ मौके पे मौजूद है, एक बार जानेंगे क्या मामला था भाई पूरा। एक्चुअली बात ये थी, मैं वही था, कोई बात ये थी, मैंने इनको बहुत समझाया था, आप जाओ घर जाओ अपने भक्ति रखिए, वो नहीं माने। उन्होंने क्या किया, पहले तो उनको गाली गलौज करी खूब, उन्होंने फिर कहा हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप घर जाओ। उसके बाद इनको माँ की बहन की खूब गाली दी। अब देखिए कोई बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा, माँ को गाली देगा, ठीक है। मैं वही था, मैं अभी यहाँ आया हूँ। मैं उसके बाद क्या हुआ है, उसने खूब गाली दी माँ की बहन की, फिर इन्होंने राजा आया, राजा ने खूब समझाया भैया आप घर जाओ, अमित भी आया है, ठीक है। उसका वो नहीं माना, ठीक है ना, इन्होंने खूब समझाया, राजा ने समझाया, अमित ने समझाया। मतलब मारपीट ये किस वजह से हुई है? सिर्फ ये मेरे सामान लेने आए थे और पैसे वैसे भी दिए? वो सामान के चक्कर में हुई है, उधार में उधार। दूसरी बात करे तो उधार नहीं दिया तो मारा। दूसरी बात ये है ना, वो अपने आप को फरने का समझते हैं राजा चौक के, कि हम बहुत बड़े वो हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप घर जाओ, वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने अपने बंदे बुलाए, इनको इतना बटवाया, देखो आप इनको, इनको फोटो लीजिए, देख सकते हैं। हाँ। इनके साथ भी मारपीट हुई है क्या? आपको भी उन्हीं ने मारा था? जी सर, उन्हीं मारा था। मैं तो अंकल के पास आया था, पानी लेकर आया था, उनके कुछ लेने काफी थे जी। बोला आप कौन है, आप चौधरी बन रहे हो? मैंने आपसे, अंकल तो बड़े बूढ़े हैं, आप अंकल से बात बोल रहे हैं, कौन कौन? देख सकते हैं चेहरे पे नील भी पड़ा हुआ है, और अभी ही नील पड़ा हुआ है, अभी की बात है। तो ये लोग मतलब आज ये 20-25 लोग इकट्ठे हो गए थे, क्या गैंग पहले से बना गए थे, फिर ये ऐसे ही घूमते हैं? इन्होंने फोन कर बुलाया है। अच्छा हाँ जी, फोन करके इन्होंने बुलाया है, कर्दी खुद की है, खुद ने बुलाया है। अब बताइए कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को? अगले बंदे की दुकान है, दुकानदारी नहीं करेगा बंदा? धमकी दिया है तो हम दुकान चला देंगे, हम जिंदा नहीं, जिंदा चला दूंगा मैं। दुकान चलाने की धमकी दे रहा है साथ में, दुकान चलाने की हमें भी कह रहा है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कल से दुकान नहीं चलेगी। फिलहाल देख सकते हैं दुकानदार मौके पे मौजूद है और परिवार जन मौके पे मौजूद है। जो बताया जा रहा है कि
दुकानदार अपने हक के पैसे मांगता है और उसके बावजूद भी, और ये आके कहते हैं कि आप हमें ये सामान दे दीजिए, हम आपको पैसे बाद में दे देंगे, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया, तो कितनी बेरहमी से इन्हें मारा गया है देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इनका दो दांत टूटे हैं और साथ ही ऊपर से मुंह भी फट गया है जी, ब्लीडिंग अभी हुई है जी। बाकी फिलहाल नहीं नहीं वैसे दिखा नहीं सकते, ब्लड नहीं दिखा सकते भाई। आप बताइए क्या और क्या मामला था, इससे पहले भी और कोई वारदात हुई है आप लोगों के साथ? एक साल पहले हुई थी। अच्छा, आप लोगों के साथ ही हुई थी? हाँ। इन भाई को मारता, पैसे उधार मांगते हैं। अच्छा, आपसे भी? हाँ। क्या बात थी आपसे, मतलब पिछली बार भी सर? आपके कौन लगते हैं? अच्छा, आपके फादर है। पिछली बार भी ऐसी मारा पीटा सब करा, पैसे तो पिछली बार ये पुलिस चौकी वगैरह गए थे, फिर उन्होंने वहाँ पैसे वैसे लेके मामला ठंडा करवा दिया, फिर कोई बात ही नहीं हुई। अभी फिर थोड़े दिनों बाद फिर वैसे ही चलता रहा। अब भाई आज नहीं हो पाई बर्दाश्त, तो आज हमने बोला तो आज फिर मार पिटाई हुई है, मारा है। और उस पर से ये भी कह रहा है कि घर तक नहीं छोड़ूंगा, जाओ। क्या सामान लेने आए थे? और मैंने बोला कि भैया उधार नहीं दूंगा, आपने मेरे पहले के 2500 रुपए नहीं दिए? 2500 रुपए एक है, 3500 रुपए एक है, भैया 7000 को उधार पहले हो रखा है। मैंने बोला भैया पहले वो उधार वापसी कर दो, उसके बाद अब सामान ले लेना। तो कह रहा कि ना मैं वो देता ना आज दूंगा, और गल्ला छीनने लग गया। गल्ले में पैसे थे भैया शाम तक का, जो भी 5000 का गल्ला तो निकाल लिए। निकालने के बाद आता पाई हुई है, मैंने बोला भैया गल्ला तो वापसी कर, तो मैं सामान नहीं दे रहा। तो उतने में लठ वठ लेके आए, फोन लड़कों को कर दिया, तो सारे उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। पापा को पत्थर मारा है, मेरा भाई है छोटा, मेरी भी देखो सर लगी पड़ी है। फिलहाल देख सकते हैं जो बताया जा रहा है कि एक दुकानदार अपने सिर्फ हक के पैसे मांगता है कि जो सामान आप लोगों ने लिया उस सामान के पैसे दे दीजिए, और उसके बाद भी वो और सामान उधार मांग रहे थे जिसके लिए दुकानदार मना कर देता। तो इसके साथ इतनी हाथापाई करी जाती कि इसके दो दांत तोड़ दिए जाते हैं, और साथ ही देख सकते हैं जो परिवारजन बता रहे हैं कि मुंह भी ऊपर से फटा हुआ है और दो दांत तोड़ दिए गए हैं। बाकी आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आपको जरूर बताएं।